सोमनी के बाजू में ठेकवा बस्ती है, वहां पर कमल साल्वेंट कंपनी के मालिक ने सौर ऊर्जा प्लांट लगा है और उसका जो लाइन जो है ठेकवा बस्ती से वो जो लेके जा रहे हैं उसी का जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां से लाइन ले जाने से जो पेड़ पौधे लगे हैं, लगभग 300 से अधिक पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ की जो युवा समिति है उन्होंने जो पेड़ पौधा लगभग 6 साल पहले जो लगाया और आज वो जो है काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो उनका लाइन जाने से वो पेड़ पौधों को नुकसान होना ही है क्योंकि हैवी लाइन है, तो स्कूल के बच्चे वगैरह जो है उनको भी नुकसान होना है, पूरा जो है जनमानस को नुकसान होना है, और इसलिए उसका जो है गाँव में बैठका हुआ और उसका जो विरोध कर रहे हैं। वो मैनेजमेंट बोल रहा है कि मेरे को अनुमति मिली है, अनुमति उनको ये लाइन ले जाने की अनुमति नहीं मिली है। उसके अलावा वहाँ पर जो है वो शरद वर्मा है, उन्होंने जो है वो एक भवन बना रहा है और वो अतिक्रमण कर रहा है, लगभग जो 2 एकड़ जमीन पर जो अतिक्रमण कर रहा है, उसके बारे में कई बार बैठकें हो चुकी है मगर वो छोड़ नहीं रहा, मतलब करोड़ों की जमीन है वो, उस पर वो कब्जा कर रहा है। इस संबंध में 14 मार्च को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे मगर 14 मार्च के बाद में आज ये मई चल रहा है मगर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए लोगों को जो है इधर जो आना पड़ा। समस्याओं का हल नहीं होगा तो आगे रणनीति क्या बना? निश्चित रूप से वहीं पर धरना देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और रोकने में निश्चित रूप से सामने वाला जो गुंडागर्दी करता है तो फिर वो मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आने के पहले ही जिला प्रशासन से हमारा जो निवेदन है इसकी जांच किया जाए और उस पर रोक लगाई जाए। सौर ऊर्जा प्लांट वाला जो है उन्होंने प्लांट लगाया और लोगों को बिजली देगा, पैसा कमाएगा, लोगों को क्या मिलने वाला, लोगों को नुकसान झेलना है और नुकसान से बचने के लिए जो है ये विरोध हो रहा है। संघर्ष के मैदान में एक है, संघर्ष के मैदान में आवाज दो, हमें है ग्राम के में हूँ, पंचायत के पंच, तब हमारे एजेंसी मांगी देख कि हमारे ए वाले प्लान खोलबो की कि नहीं बातें ठीक है, तो जगह हम देख खोलबे कुछ भी खोला था तो गांव वाले पहली बोलना चाहिए ना कि मैं ले लूँ, परमिशन लेना चाहिए, परमिशन कुछ मिली सब गांव भी तीन चार पांच पोल गला भीतर में कि हम गेल लेडीज लेडीज में भी साथ में दे पोल में लग निकलवाए ऊपर मन के निकाल दी, फिर जी रोड में 10 फीट के सड़क के में पाइप में गड़ा के कोई दिन सड़क बढ़ी था ओला ऑब्जेक्शन करे तो वो हटे चमनी लगान बोल ओकर बावजूद फिर अभी वो जबरंग लगा पंचायत से काज के नो से ले खाली खेत के कुछ बनाबो के ये न बनाबो नहीं बोले के पावर प्लेन बनाबो के नहीं बोले। अब तुम्हें लगा का तकलीफ होते अभी हमें? अभी तकलीफ बहुत है, भी लेन जाए वहां से गांव भीतरी से वो में मुश्किल है, सड़क ले जाए सड़क चौड़ा हुई तो कहाँ ले, वो कलाइन के नीचे में थोड़ी चाहिए गाड़ी, अगल बगल चौड़ा हुई सड़क है 10 फीट के था, पंचायत में एक भवन है वहाँ ओकर बाद में मंगल भवन बना दो कब चक्कर है, 1 एकड़ जमीन ला एक बार तोड़वा जगह ला सामने के आधा कर जमीन छोड़ी तो वो पानी छोड़न बोला का मांग करो तो तुम हमन कुछ मांग हम जगह छोड़े मांग हम पैसा लालच लिए हम गाँव सुरक्षित रहे अच्छा रहे बहुत परेशानी होते सड़क पर नाली नहीं है बहुत परेशानी होते अपने इधर सेठ जगह ना आने जाने के क्या रास्ता नहीं है हमारा निकले परेशानी होते यार वही ना हम मुसीबल थक के यहाँ हाँ हेल्प कर ही गई थे माता जी कहाँ से आना जाना था मैं ठेका से यहाँ हाँ पंचायत से हम पंचा रहते हैं तो अभी अच्छा था अभी ना यही पछताव करे में रहा हम जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी किसी तरह रोड हो जाना चाहिए सड़क बनना चाहिए हाँ बनना चाहिए सड़क नाली भी बांध के बनना चाहिए तालाब में पचड़ी नहीं है नहाने के लाने उतर जगह नहीं है बनाने के लिए तो पचड़ी भी क्या जरूरी है बनाना है उसी पर आज हम लोग इस मांगों को लेके आए हैं कि हमारा जो गांव है ग्राम ठेकवा सोमनी फरद के बीच में हमारा ग्राम ठेकवा पड़ता है छोटा सा बस्ती है वो गांव में
जो कृषि भूमि थी वो जो विक्रय हो चुका है और उस भूमि पे जो है सौर ऊर्जा सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए ग्राम पंचायत से अनुमति लिए हैं, मगर वो जो है 33 KV बिजली पोल ले जाने का जो बात है वो सोमनी के तरफ से भी लेके जा सकते हैं, मगर उन्होंने सोमनी के तरफ से ले जाने के बजाय ग्राम ठेकवा के रोड से 33 KV लाइन लेके जा रहे हैं, जिसका हम लोग बार बार निवेदन किए हैं उनसे कि भाई ये जगह जो है 12 फुट की ज़मीन है और 12 फुट में मेन निस्तारी का जो रोड है उस पर आप लेके मत जाइए, जनधन की हानि है, स्कूल है और भी बस्ती है, तो वहाँ से आप लेके मत जाइए, क्योंकि ग्राम के युवा लोग जो है प्राकृतिक रूप से उपजे पेड़ों को पोषित करके जो है आज वृक्षों को पेड़ों का रूप दे चुके हैं, तो कम से कम 250 पेड़ है वहाँ पर, वो जो है वो क्षति होगी, उसके अलावा भी और भी क्षति होने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर ना ले जाया जाए। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम नहीं ले जाते, 4-5 बार मना किए तो 4-5 बार भी बोले कि हम इधर से नहीं ले जाएंगे, मगर वो आँख में चौली खेल खेल के अभी लेके जा रहा है। कल भी उसने वैसे किया, हमारे कुछ ग्राम के लोग गए थे वहाँ मना करने, तो उनसे दादागिरी की है उन लोगों ने कि हमको यहीं से ही लेके जाना है, आपको जो करना है करिए। तो इसलिए ग्रामवासी लोग जो है पहले भी कलेक्टर साहब को और भी संबंधित विभागों में वहाँ पर जो है चिट्ठी पत्री दे चुके हैं, उसी बात को लेकर फरियाद करने यहाँ आए हैं। उसके अलावा हमारे ग्राम ठेकवा में मांगलिक भवन का निर्माण जो किया जा रहा है कपिल वर्मा शरद वर्मा हर्ष वर्मा की तरफ से, उसमें भी वो जो जमीन है कम से कम 1.5 से 1.25 एकड़ की लगभग जमीन को कब्जा कर रहा है, और शासकीय जमीन है, घास जमीन है, तो कब्जा कर रहा है। ग्रामीणों द्वारा जब उनके बारे में विरोध किया गया तो उनका कहना है कि ये जमीन मेरा है, मेरे सीमा के भीतर में है, मगर लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इससे पहले जब 5 मालिक लोग खरीद के चले गए तो उसके बावजूद 1 दिन जगह जो है बाहर बढ़ा नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये मेरी जमीन है, आपको बेजा कब्जा कर रहे हो। उनके द्वारा बोला गया कि 50,000 ले लो, 1,00,000 रुपये ले लो, मगर ये जमीन को मेरे को दे दो, और ये जीत उनकी बनी हुई है। तो इन मांगों को लेके जो आज हम जो है ग्रामीण लोग जो है आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं।